दिया है। सो हमारे इस अर्थ पे कई सारे किस्म के प्रजाति पाए जाते हैं, इंसानों में भी होते हैं। विश्वास नहीं है तो ये सुनिए, कई इंसान तो ऐसे होते हैं कि सुबह बेड पे नींद खुली नहीं कि मोबाइल में फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं और अपना फेस देखने लगते हैं, और बेड से नीचे उतरते ही मिरर के पास वापस जाते हैं और दोबारा से अपना फेस देखते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं कि सोने से पहले भी अपना फेस मिरर में देखते हैं। सभी को पसंद है मिरर में देखना और देख के कुछ ना कुछ सोचते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये काम डॉग या दूसरे जानवरों को मिरर में अपना फेस देखते हुए कभी देखा है? तो सोचिए कि वो जानवर बर्ड्स क्या सोचते होंगे जब वो अपना फेस मिरर में देखेंगे या देखते होंगे। तो आज की कहानी मज़ेदार इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक डॉक्टर है, एक स्नेक और एक मिरर होता है। तो कहानी शुरू होती है जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है, तो क्या कोई सांप आपके बॉडी पार्ट को अपने बॉडी पार्ट को राउंड कर लिपटा है आपके बॉडी पार्ट से, अ फुल ब्लडेड कोबरा? तो ये सुन सभी लोग चुप हो जाते हैं। तो सभी लोग ये कहानी को पूरे ध्यान से सुन रहे हैं जो उस डॉक्टर के क्लिनिक में आते हैं। वो गर्मियों का मौसम था, रात के करीब 10 बज रहे थे जब मैं अपने घर लौट आया था अपने रूम में रेस्टोरेंट से खाना खाकर। तो मैंने कुछ सुना, सुनाया आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने लैंप को जलाया जो टेबल पर रखा हुआ था, क्योंकि लाइन कटा था। वो डॉक्टर ये कहानी बता रहा है, फिर कहता है कि वो रिसेंटली ही अपना मेडिकल प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया था, इसलिए उनकी जो फी या अर्निंग जो थी वो ज़्यादा नहीं था, तो बस इसीलिए वो एक छोटे से घर में रेंट पर रहते थे। और उनके सूटकेस में 60 रुपीज़ रखे थे, कुछ शर्ट और धोती थी और एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था जो उस वक्त उन्होंने पहन रखा था। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने अपना ड्रेस चेंज किया जो उन्होंने पहन रखा था, ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट, और उसे टांग दिया। फिर खिड़कियाँ को खोले रूम का जो बाहर की तरफ खुलता था, छत नहीं था, जो उस हाउस में जिस हाउस में रहते थे उसका छत नहीं था, बस टाइल्स था जो एक बीम के सहारे पे था, और रेलिंग बीम की हेल्प से जो चूहे थे वो आते जाते रहते थे। फिर वो अपने बेड पे लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रहा था। फिर वो उठकर हवा खाने के लिए बरंडा में चले गए, लेकिन हवा नहीं चल रहा था। फिर वापस वो रूम में आ जाते हैं, चेयर पे बैठ अपना एक बुक मेटेरिया मैडिका को पढ़ने लगते हैं और बगल के टेबल पे रख देते हैं जहाँ एक लैंप और मिरर रखा हुआ था। तो अब वो कहते हैं कि हर एक इंसान अपना फेस मिरर में देखना चाहता है और उसे अच्छा लगता है, तो वो भी अपने आप को मिरर में देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें खूबसूरती जो है वो काफ़ी पसंद थी और अपने आप को वो हमेशा हैंडसम दिखाना चाहते थे। वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बैचलर भी थे, यानी ही वॉज अनमैरिड, शादीशुदा नहीं थे। तो बस इसीलिए वो सोचते हैं कि लोगों को भी पता चले कि आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ। तभी वो कॉम्ब यानी कंघी को उठाते हैं और बाल को संवारते हुए अपने सर के बाल को एकदम स्ट्रेट करते हैं, और तभी उन्हें फिर से कुछ सुनाई देता है जो ऊपर से आ रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि वो मिरर के पास अपने फेस को देखने के लिए जाते हैं और फिर एक बात सोचते हैं कि वो डेली शेव किया करेंगे और एक पतली सी मूछ रखेंगे जिससे कि वो हैंडसम लगे और ज़्यादा हैंडसम लगे, और वो मिरर में फिर देखते हैं और स्माइल करते हैं। और एक और डिसीजन वो लेते हैं कि वो एक स्माइल हमेशा अपने फेस पर रखेंगे ताकि वो और हैंडसम दिख सके। तभी फिर से ऊपर से आवाज़ आता है। फिर उन्होंने एक बीड़ी जलाई और रूम में घूमने लगे। तभी उनके मन में फिर से एक प्यारा सा थॉट आता है कि क्यों ना शादी कर ली जाए एक ऐसी लेडी डॉक्टर से जिसके पास बहुत पैसा हो और उस लेडी की मेडिकल प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी चल रही हो। वो कहते हैं कि उस लेडी को मोटी होना ज़रूरी है जिनसे वो शादी करेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ गलतियाँ कर दे और उन्हें भागना पड़े तो उनकी वाइफ उनके पीछे ना भाग पाए और उन्हें पकड़ ना पाए। तो बस अगर वो मोटी हुई तो ना ही वो उसके उनके पीछे भागेगी भाग पाएगी और ना ही उन्हें पढ़ पाएगी। और ये सब सोचते हुए वे एक चेयर पे बैठ जाते हैं टेबल के नज़दीक। तभी उन्हें कुछ लगा कि शायद कोई चीज़ रबर ट्यूब जैसा कुछ नीचे गिरा, और इसमें तो कोई डरने की बात नहीं है। और फिर उन्होंने ये सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं कि क्या गिरा है। और जैसे ही वो देखने के लिए उन्होंने पीछे मुड़ा, एक सांप मोटा चेयर पे चढ़ उनके पास आ रहा है।
और उनके शोल्डर कंधे पर बैठ जाता है। ये देख, वो कहते हैं कि सांप को अपने शोल्डर पर देख, वो ना ही उछले और ना ही घबराए और ना ही चिल्लाए, क्योंकि ये सब करने का उनके पास टाइम ही नहीं था। फिर वो सांप उनके लेफ्ट आर्म को अपने बॉडी से लपेट लेता है और उस सांप का फेस उनके चेहरे से बस 3 to 4 inches ही सिर्फ दूर था और वो एकदम पत्थर सा बन गए थे। लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा था। रूम में सब जगह अंधेरा था, बाहर भी अंधेरा था, और वो खुद उस लैम्प के रोशनी में वो खुद को एक मूर्ति समझ रहे थे जो एकदम से चेयर पे बैठा हुआ था बिना कुछ बोले हिले डुले। तो उस समय उन्हें भगवान की याद आती है, उनकी जरूरत होती है। गॉड तो थे वहां पर और शायद ही वो यानी डॉक्टर ने कुछ बोल दिया हो जो भगवान को पसंद नहीं आया। फिर वो कहती हैं कि अपने दिल के अंदर वो बड़े बड़े लेटर्स में लिख रहे होते हैं, ओ गॉड, हे भगवान, और उनके लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उनका हाथ को कोई थिक रॉड से दबा रहा हो। वो सोचते हैं कि अब वो करे तो क्या करे, और उनकी जो ताकत थी हाथों में वो भी खत्म होती जा रही थी, और अगर वो हिलते हैं तो सांप उन पे हमला कर दे सकता है। अब वो सोचते हैं कि अगर उस सांप ने काटा तो वो कौन सी दवा लेंगे, और उनके रूम में तो कोई दवा भी नहीं है। मैं एक काफ़ी बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ, वो अपने आप को सोचते हैं, और डर को बिल्कुल भूल वो खुद पे हंसने लगते हैं। और तभी वो सांप अपना सर को घुमाता है और पास रखे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन को देखता है। फिर वो सोचते हैं कि क्या वो सांप उस मिरर में अपनी खूबसूरती को देख रहा था या फिर वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था अबाउट ग्रोइंग मुस्टैच और यूजिंग आई शैडो और मस्करा या फिर कोई बिंदी लगा लूँ माथे पर। फिर वो कहते हैं कि उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि वो सांप मेल है या फीमेल, और शायद ही उन्हें ये कभी मालूम चल पाए। फिर उसी वक्त वो सांप उनके हाथों से नीचे होता हुआ, उनके गोद से होता हुआ चेयर से नीचे उतर वो मिरर के एकदम पास चला गया। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो सांप अपने आप को पास से देखना चाहता हो। उनके अंदर वापस से जान में जान आती है और सांस को रोकते हुए धीरे से वो चेयर से उठ जाते हैं और वेरेंडा में चले जाते हैं, और वहां पहुंचते ही एकदम जोर से भागते हैं। तो ये बात सुन सब लोग वहां पे चैन की सांस लेते हैं जो लोग डॉक्टर से ये कहानी सुन रहे होते हैं, और तभी सब लोगों ने भी बीड़ी जलाया, और उन्हीं में से किसी एक ने पूछा, तो डॉक्टर, क्या आपकी वाइफ मोटी है? तो डॉक्टर कहते हैं, अरे नहीं यार, भगवान की तो कुछ और ही मर्जी थी। फिर दूसरे ने पूछा कि डॉक्टर, जब आप वहां से भागे तो क्या वो सांप आपके पीछे आया? तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो भागता गया बिना रुके बिना पीछे मुड़े, और तब तक भागा जब तक मैं अपने दोस्त के घर पे न पहुंच जाऊं, और वहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले नहाया, फिर तेल लगाया, कपड़े बदले। फिर दूसरी सुबह ही उन्होंने अपने फ्रेंड और कुछ लोगों के साथ अपने रूम पे आए सामान लेने के लिए जो वहां पे बचा था। फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके पास तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं उठाने को, क्योंकि कुछ चोरों ने पहले ही उनका सामान चोरी कर लिया था। उनका रूम पूरा साफ कर दिया था, सिर्फ एक चीज छोड़ दिया गया था, वो भी सिर्फ उनकी बेइज्जती करने के लिए। तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर, वो चीज़ क्या थी? तो डॉक्टर बोले, मेरी बनियान। उन रास्कल्स को इतनी भी तमीज़ नहीं कि वो इस बनियान को पानी और साबुन से धो के पहन सकते थे। फिर किसी ने पूछा कि क्या वो सांप आपको फिर से दिखा आपको? तो डॉक्टर हंसते हुए बोले, आज तक मैंने फिर से उस सांप को नहीं देखा, क्योंकि वो सांप अपनी ही खूबसूरती से इतना अट्रैक्ट हो गया था।